पंजाब स्पोर्ट्स डायरेक्टरी पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर पर ई सर्विसेज डॉट पंजाब डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाए लॉग इन पर क्लिक कीजिए दिए गए रजिस्टर पर क्लिक कीजिए यहां नेम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पासवर्ड स्टेट और कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करें इसके बाद लॉग इन पर क्लिक करें। यहां लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉग इन पर क्लिक करें। स्किप पर क्लिक करें। मेन्यू बार में दिए गए अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करें। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करें पंजाब स्पोर्ट्स इवेंट पोर्टल पर क्लिक करें अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो पहले वाली एप्लीकेशन पर जाए वरना आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी रजिस्टर करने के लिए दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करें रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स डायरेक्टरी पर क्लिक करें और उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा वहां यस पर क्लिक करें प्लेयर की डिटेल से शुरू करें यहां प्लेयर का फुल नेम एंटर करे जो आधार कार्ड में दिया गया है ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करे इसके बाद एक हालिया पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच करे सुनिश्चित करे कि फोटो का साइज ट्वेंटी के बी और फाइव हंड्रेड केबी के बीच में हो मदर नेम और फादर नेम एंटर करे जैसे आधार कार्ड पर दिए गए हैं। डेट सेलेक्टर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें और एज ऑटो फिल हो जाएगी प्लेस ऑफ बर्थ में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करें। स्टेटस ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करें अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यस yes करें और ड्रॉप डाउन से डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करें वरना नो सिलेक्ट करें ड्रॉपडाउन से अपना जेंडर सिलेक्ट करें। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यस yes पर क्लिक करें और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डाये अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है तो नो no पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें। अब सर्विस पर्टिकुलर डिटेल्स मी आप एम्प्लॉयड स्टेटस बताएं अगर आप ये yes सिलेक्ट करते हैं तो जॉब डिटेल्स फिल करें वरना नो no पर क्लिक करें प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स फिल करे जिसमें कंप्लीट एड्रेस रीजन अगर अर्बन सिलेक्ट करते हैं तो फिल करे स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिंकोड एंड टाउन सिटी रीजन अगर रूरल सिलेक्ट करते हैं तो फिल करे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट सब तहसील विलेज पिंकोड अगर आपके विलेज का नाम लिस्ट में नहीं है तो विलेज नॉट इन लिस्ट सिलेक्ट करके विलेज ने मैंटर करें अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस सिलेक्ट करें। अगर सेम नहीं है तो नो सिलेक्ट करें और परमानेंट एड्रेस डिटेल्स कंप्लीट एड्रेस रीजन स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड एंटर करें। एजुकेशन डिटेल्स एंटर करें जैसे कि क्वालिफिकेशन द बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड द पासिंग ईयर अगर आपने कोच से ट्रेनिंग ली है तो यस yes पर क्लिक करें और कोच की डिटेल्स प्रोवाइड करे अगर नहीं ली टू नो पर क्लिक करे अगर आपने एक से ज्यादा कोच से ट्रेनिंग ली है तो सबकी डिटेल्स फिल करे अगर आप मेडलिस्ट हो किसी कॉम्पिटिशन्स और टूर्नामेंट्स में टू यस पर क्लिक करें और कॉम्पिटिशन लेवल मेंशन करके डिटेल्स प्रोवाइड करें अगर आप मेडलिस्ट नहीं हो तो नो पर क्लिक करें बैंक डिटेल्स एंटर करें जो आधार कार्ड से लिंक हो जिसमें आपका अकाउंट नंबर री एंटर योर अकाउंट नंबर द नेम ऑन योर पासबुक आईएफएससी कोड बैंक नेम एंड बैंक एड्रेस मेंशन करे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे जहां से आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं डेक्लरेशन रीड करें और आई अग्री पर क्लिक करें वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा फिल करें अगर जरूरत पड़ती है तो कैप्चा को रिफ्रेश करें कंप्लीट फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें अपनी डिटेल्स को चेक करें और अटैच एनेक्शा पर क्लिक करें अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जैसे कि एड्रेस प्रूफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डोमिसाइल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स स्कैन कॉपी ऑफ मास्क आधार कार्ड और सेव एनेक्शा पर क्लिक करें अपनी डिटेल्स और अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और सबमिट पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है एक्नोलजमेंट स्लिप डाउनलोड करें या प्रिंट करें